बनाते तो सभी हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन बहुत से लोगों का बड़ा जो होता है बीच में गुठली हो जाती है और सॉफ्ट नहीं बन पाता। तो चलिए आज टिप्स को फॉलो करते हुए हम वड़ा बनाएंगे, दही वड़ा। जो तीन टिप्स है जिसे फॉलो करके बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट दही वड़ा बनकर तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए पहला टिप ये है कि रात भर यानी 7 से 8 घंटे दाल को भिगोकर रख देने हैं ताकि ये अच्छी तरह से पानी में भीग जाए। तो मैंने उड़द और मूंग दोनों दाल को ले लिया है एक साथ और उसे भिगो दिया था। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर 2-3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा इसको ढीला नहीं करने, लिक्विड नहीं करने और बिल्कुल बारीक पीसने हैं इसको। दूसरा टिप है बिल्कुल बारीक पीसने हैं, बारीक नहीं होगा तो आपका स्पॉन्जी और सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसमें अब जीरा, अदरक, हरी मिर्च को बारीक काट कर हमने डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक डाला इसमें। तो इस तरह से इसे अब तीसरा टिप है इसे 5 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह से फेंटना ताकि इसमें हवा आ जाए। इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में या किसी चीज़ में पानी लेकर बैटर को डाल के देखें। अगर बैटर पानी में नीचे नहीं जा रहा है तो वो अच्छी तरह से फिट गया है। इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप बनाइए, कभी आपका वड़ा ख़राब नहीं होगा, अंदर गुठली नहीं होगी। अब गरम तेल में इसे हम डालते जाएंगे छोटे छोटे बॉल्स और फिर इसे 2 मिनट तक छेड़ेंगे नहीं, 2 मिनट के बाद इसे उलट पुलट करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम डीप फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई हो जाता है। इसे निकालेंगे, ठंडा करेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और बाकी के भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए कितने गोल गोल हमारे बड़े बने हैं। अब एक बाउल में हम पानी लेंगे, नमक और हींग डालकर सारे वड़े को इसमें डाल देंगे और सारे वड़े को डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चम्मच से डिप करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे और इसको कवर करके 1 घंटे तक छोड़ देंगे पानी में, ढक्कन ढक देंगे। 1 घंटे के बाद इसे हम निकालेंगे तो ये देखिए 1 घंटे बाद डबल हो गया है साइज में। इसे अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो प्लेट में सर्व करने से पहले एक एक बॉल उठाएंगे, हाथों से निचोड़ेंगे इसका पानी और प्लेट में रखते जाएंगे। प्लेट में सारे को रखने के बाद इसमें हम जो डलते हैं दही, चटनी वगैरह ये सारी चीज़ों को डालेंगे। मुझे पतली दही पसंद है तो मैंने पतली दही डाला है इसमें। हरी चटनी, मीठी सौंट की चटनी, कुटी काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला और लास्ट में इसमें हम लाल मिर्च पाउडर इस तरह से डाल देंगे और ये सर्व के लिए रेडी हो गया है। क्या आप भी इसी तरह का बनाते हैं? अगर हाँ या ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे काट के आपको दिखाते हैं, बिल्कुल भी गुठली नहीं है। तो इस तरह का टिप्स को आप फॉलो करके बनाएंगे, क्या आप इस तरह का टिप्स फॉलो करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।